हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने मोशन क्या होती है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट क्या होता है, मोशंस के कितने टाइप्स हैं, सर्कुलर मोशन क्या होती है, सर्कुलर मोशन के कौन कौन से पैरामीटर हैं, वो सब हमने देखा। हमने देखा कि सर्कुलर मोशन के तीन पैरामीटर्स होते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिनोटेड बाय थीटा, एंगुलर वेलोसिटी डिनोटेड बाय ओमेगा और एंगुलर एक्सेलरेशन डिनोटेड बाय अल्फा। और इन तीनों की डायरेक्शन देने के लिए हम एक रूल यूज़ करते हैं जिसे कहते हैं राइट हैंड रूल। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने ये भी देखा कि लीनियर वेलोसिटी वी बार और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, इन दोनों में क्या रिलेशन है। तो हमने उसे कल स्केलर फॉर्म में और उसके वेक्टर फॉर्म में दोनों में भी डिराइव किया था। अभी हम आगे बढ़ते हैं, आज हम बात करेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है? कोई भी पार्टिकल अगर अपनी मोशन अलॉन्ग द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल मेंटेन कर रहा है, इफ द मोशन ऑफ पार्टिकल इज अलॉन्ग द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल एंड इट्स स्पीड रिमेन्स कॉन्स्टेंट, या हम ऐसे कह सकते हैं द पार्टिकल परफॉर्मिंग द मोशन अलॉन्ग सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल विथ अ कॉन्स्टेंट स्पीड इज कॉल्ड एज ए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, या हम शॉर्ट फॉर्म में इसे UCM भी कहते हैं। तो इस UCM के दो पैरामीटर्स होते हैं, एक कि इस सर्कुलर मोशन को कंप्लीट करने के लिए इसे कितना टाइम लगा, तो उसे कहते हैं द टाइम पीरियड ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और उसी तरह से एक सेकेंड में इसने यहाँ पे ऐसे कितने रिवॉल्यूशंस कंप्लीट किए, उस पैरामीटर को हम कहेंगे द फ्रीक्वेंसी ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। द टाइम पीरियड ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज डिफाइंड एज द टाइम टेकन बाय अ पार्टिकल परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन अलॉन्ग द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। डेफिनेशन क्या कहती है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने वाले पार्टिकल को एक सर्कल कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगता है। हमने बताया है कि वेलोसिटी इज गिवन बाय डिस्टेंस अपॉन टाइम और हमें हम कहते हैं एस अपॉन टी। हम इंटरेस्टेड है टी में, तो हम फार्मूला लिखेंगे टी एंड वी विल बी रिप्लेस, सो इट विल बी एस बाय वी। तो अभी जो पार्टिकल है आपका अलोंग द सर्कमफेरेंस वो घूम रहा है, एक पॉइंट से शुरू करेगा, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करके फिर से इसी जगह पे आएगा। सो इस अलोंग दिस पाथ उसने एक सर्कमफेरेंस के इक्वल डिस्टेंस कवर किया है। सर्कल का सर्कमफेरेंस होता है 2πr। सो यहाँ जो टाइम पीरियड होगा वो टाइम पीरियड विल बी गिवन बाय सर्कमफेरेंस डिवाइडेड बाय लीनियर वेलोसिटी। सो टाइम पीरियड ऑफ UCM विल बी गिवन बाय सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल डिवाइडेड बाय द लीनियर वेलोसिटी। सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज गिवन बाय 2πr एंड लीनियर वेलोसिटी इज गिवन बाय v। सो t इज इक्वल टू 2πr बाय v, इक्वेशन नंबर 1। इन प्रीवियस लेक्चर हमने देखा है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन v एंड ओमेगा। सो v इज रिलेटेड विद ओमेगा विद द फार्मूला दैट v इज इक्वल टू ओमेगा r, ये हमें पता है। ठीक है, एज v इज इक्वल टू ओमेगा r, दिस देयरफॉर t इज इक्वल टू 2πr डिवाइडेड बाय ओमेगा r, दिस r एंड r इज कैंसिल, हमें मिलता है t इज इक्वल टू 2πr बाय ओमेगा और इसका जो यूनिट होगा दैट विल बी सेकंड। The time period of uniform circular motion is given by t is equal to 2πr by omega and unit is a second. आगे बढ़ते हैं, हम दूसरी definition देखेंगे, the frequency of uniform circular motion. Frequency of uniform circular motion is denoted by small letter n. Frequency का मतलब होता है कि एक second में कितनी बार वो उस operation को repeat कर रहा है। अभी यहाँ पे जो आपका particle है वो uniform circular motion कर रहा है, तो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करने के लिए उसे एक सर्कल के पेरिफेरेंस का डिफरेंस कवर करना पड़ता है। तो एक सेकंड में ऐसे कितनी बार वो सर्कमफेरेंस का डिस्टेंस कवर कर रहा है, दैट विल बी डिनोटेड बाय द फ्रीक्वेंसी। द फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाय इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड और अभी हमने देखा द टाइम पीरियड इज गिवन बाय 2πr बाय ओमेगा, दिस इज अ टाइम पीरियड ऑफ योर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब ये वैल्यू हम इसमें रखेंगे, सो ये मिलेगा हमें 1 अपॉन 2πr बाय ओमेगा, सो वी गेट ओमेगा बाय 2πr एंड जबकि फ्रीक्वेंसी है तो इसका यूनिट होगा हर्ट्ज। ठीक है, अगर आप ओमेगा की वैल्यू पुट करते हो, व्हाट इज ओमेगा, ओमेगा इज गिवन बाय v बाय r, जैसे हमें पता है कि v इज इक्वल टू ओमेगा r, सो हम क्या कर सकते हैं, हम ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं जो कि होगा ओमेगा इज इक्वल टू v बाय r। ये वैल्यू अगर हम इस इक्वेशन में अभी पुट करते हैं तो हमें मिलता है n इज इक्वल टू v बाय r डिवाइडेड बाय 2πr, आगे चल के हमें मिलता है v डिवाइडेड बाय 2πr। ओके, तो हमें अभी तक दो डेरिवेशन मिले हैं,
एक मिला है टाइम पीरियड ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो कि t इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा, इसका यूनिट है सेकंड। और दूसरा जो हमें फार्मूला मिला वो मिला है फ्रीक्वेंसी के लिए। अगर फ्रीक्वेंसी इज 1 अपॉन t इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2 पाई इज इक्वल टू v अपॉन 2 पाई r, और इसका जो यूनिट है वो यूनिट है हर्ट्ज, या हम इसे कहेंगे रिवोल्यूशन पर सेकेंड, क्योंकि डेफिनेशन क्या कहती है, द रिवोल्यूशंस कंप्लीटेड बाय द पार्टिकल परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड एज ए फ्रीक्वेंसी। सो आप हर्ट्ज की जगह पे आरपीएस भी लिख सकते हो। ये था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और उसके दो पैरामीटर, टाइम पीरियड एंड दी फ्रीक्वेंसी।